हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब घर पर मास्क बनाएंगी, ये जानकारी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने दी। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे आसपास के लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरत का सामान है या नहीं है। इस दिशा में अभी तक काफी सराहनीय काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई मुहिम शुरू की है जिसमें आप सब से अनुरोध है कि आप सब उन महिलाओं को प्रोत्साहित करें जो अपने घर में मास्क बना सकें और इन मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा बनवाकर पूरे प्रदेश और जिला में वितरण करें ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके। माँ दुर्गा की पूजा के पश्चात रामनवमी का त्यौहार आप सबने बड़े मन से और मनोयोग से मनाया होगा, आप सबको हार्दिक बधाई। राम की तरह धैर्य और एकाग्रता रखते हुए आपने इस संकट में भारत की और अपने प्रदेश की जो सेवा की है उसके लिए मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा होने के नाते आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप आने वाले समय में भी इसी तरह अपना सहयोग देते रहें। हमारे सोलन के डॉक्टर राजेश कश्यप ने मास्क बनाने की एक विधि जो है वो सिखाई है। मैं चाहती हूँ और पूरी भारतीय जनता पार्टी आपसे अनुरोध करती है कि आप सभी बहनों को इस मास्क को बनाने की विधि बताएं तथा बहनें अपने पड़ोस में अपने घर के आसपास सभी परिवारों को इसको बनाना सिखाएं ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें और हम लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। ये एक सहयोग की अपील है मेरी सभी बहनों से कि आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और स्वच्छता और सैनिटाइजेशन और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देश और प्रदेश की सेवा करें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सोलन से भूपेंद्र ठाकुर।